चलिए तो हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? यह पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? बिहार में। अगला है, 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला है क्वेश्चन हमारा, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायस राय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को कुक करो या मारो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? वक्त खान ने। बहादुर शाह जाफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम कौन अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो याद रखिए, श्रमिक दल की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लेकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 मार्च 1857 की देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष किस वर्ष में हुई? 1920 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे? M.N. राय। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में। अगला, किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सेवा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना किसने की थी? डेके कार्वे ने 1916 में बंबई में। अगला है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। अगला है, भारत की शैक्षणिक नीति में फेडरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? मैकाले। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को चार चरणों, व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? आर सी दत्ता ने। अगला है, वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, तो वह एम विश्वेश्वरैया। अगला है, मानव के लिए धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ये थे एस एन सेन ने। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जून 1922 में गठित सविनय अयोग्या आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाकिम अजमल खान। अगला क्वेश्चन है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। अगला है, चक्कर लगाने वाले वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई, यह घटना थी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोल मेज के संबंध में किसने कहा था कि सम्मेलन में भारत को दो कड़वी गोलियां रख छुपाए तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया? तो है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? याद रखिए अहमदाबाद हड़ताल में। अगला है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। अगला क्वेश्चन है, हमारा कांग्रेस ने पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन का एसोसिएशन का की स्थापना इसकी स्थापना एस एन बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? 1876 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्ते लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? याद रखिए डॉक्टर सिफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है, 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंट के गवर्नर कौन थे? लेस्ली विल्सन। अगला है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अगला है, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति के ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, 1929 में ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन एम जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। अगला है, किसके झुकाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन के झुकाव पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था, ए ओ होम। अगला है, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने।